नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात जनप्रतिनिधि के साथ। आज हम पहुंचे हैं मैनासर ग्राम पंचायत में और बात करेंगे सरपंच मुबरिक खान जी से और जानेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। तो सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम मुबरिक खान है, मैं ग्राम पंचायत मैनासर से बिलोंग करता हूँ और विकास कार्य में हम लोगों ने पानी की समस्या में बहुत सारे काम किए हैं। सर, बात करें, आपने पानी की समस्या बताई थी, तो पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार किया है, कौन सी योजना की थी? सर, हमारे यहाँ पे पानी बहुत हेलो का मतलब जैसे नमक वाला पानी है, फ्लोराइड पानी है। तो हम लोगों ने क्या किया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के अंदर 430 कुंडे बनवाए, 4 तालाब बनवाए और किसानों की जितनी भी पानी की समस्या थी उसमें हम लोगों ने निवारण किया। सर, बात करें आपकी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसके तहत लोगों को लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला। 17 से 18 आदमियों को तो मैंने लाभ दिलवा दिया। अभी तकरीबन मैंने इसे कैटेगरी के हिसाब से, जैसे समाज के हिसाब से कौन कौन आदमी, जितने जितने गरीब है, वार्ड पंचों को मैंने सूचित किया, उसके हिसाब से मैंने लिस्ट बनवाई। कई कई ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन आदमी रह गया, तो वार्ड पंच का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने वार्ड से अपने को सूचना दो कि कौन आदमी कितना है, किसके पास में मकान नहीं है, किसके पास में झुग्गी झोपड़ी नहीं है, उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। अभी हम लोगों ने तकरीबन 150 के तकरीबन फार्म भर रखे हैं। ODF आपकी पंचायत होगी, पंचायत समिति राजस्थान ODF हो चुका है। धरातल लेवल की बात करें तो ये योजना कहाँ तक कारगर साबित हुई? ये योजना के अंदर ODF के अंदर हम लोगों ने 250 के तकरीबन शौचालय बनवाए। सरकार का जल्दीबाजी की वजह से फैसला भी लेना पड़ा, सरकार को ODF कर दिया। हमारे गांव के अंदर तकरीबन 10-20 के शौचालय बच भी गए थे, लेकिन अभी एक महीने पहले सरकार ने दोबारा कोई नियम बनाया कि किसी भी गरीब आदमी का अगर शौचालय बाकी है तो वो दोबारा कोई फॉर्म भर सकता है। तो हम लोगों ने 20-30 के फॉर्म भी लगवाए, लेकिन अभी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरेगा के तहत बात करें तो ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार मिला? हाँ, रोजगार मिला। हमारे ग्राम के अंदर 3 गाँव लगते हैं, तीनों गांव के अंदर तकरीबन 400 से 450 आदमी, 500 आदमी रोजगार कर रहे हैं, नरेगा पे जा रहे हैं। और हम लोगों ने ग्रेवल पे, अन्न भंडार पे, नरेगा के तहत हम लोगों ने कार्य किए, उस पर भी हम लोग लगा रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, एक सरपंच का मानदेय 3500 से 4000 जा रहा है, आपकी नज़र में सरपंच का मानदेय कितना होना चाहिए? मेरी नज़र के अंदर तो सरपंच का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये तो होने चाहिए। 10,000 से कम है तो वो कम ही कम है। अभी अपन लोग लगा लो एक महीने के अंदर अपन लोगों को 3500 रुपये दे रहे हैं, तो अपन लोग बस में ही जाएंगे, कहीं सीकर जाने का काम पड़ जाएं, गवर्नमेंट के हिसाब से चूरू जाने का काम पड़ जाएं, रतनगढ़ जाने का, पंचायत समिति तो दिल्ली का काम रहता है, तो अपन लोग किराए के हिसाब से भी जाएंगे तो 3500 रुपया नहीं सरता है। अभी अपन लोग चूरू का मान लो, सीकर का मान लो, रतनगढ़ का मान लो, अपना काम है, सरपंच है, सरपंच का तो काम रहता है, अपन लोग जाएंगे तो 100 रुपया 125 रुपये दिन के हिसाब से क्या होता है। चूरू अपन लोग जाके आएंगे 200 रुपया खर्च होता है, 200 रुपये के हिसाब पकड़ेंगे, या रतनगढ़ जाके आएंगे 50 रुपये लगते हैं, तो 3500 रुपये तो उन्हीं में चले जाते हैं। तो आपकी नज़र में कितना मानदेय होना चाहिए? मानदेय तकरीबन 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। साहब, आप एक युवा हैं और मैं बात करूँ नशे पर, तो राजस्थान क्या पूरे भारत के युवा नशे की ओर जा रहे हैं, आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए ताकि नशे पर रोकथाम लगे? सर, नशे की बात ही है कि नशे पर रोकथाम के लिए सबको प्रेरित करना, सबके परिवारों को प्रेरित करना, गवर्नमेंट से स्टार्ट हो जाओ। जैसे कलेक्टर साहब, यहाँ पे जिम्मेदारी कलेक्टरों की होती है, कलेक्टर साहब जिम्मेदारी दे दो प्रधानों को, प्रधान तहसीलदार को दे दो, तहसीलदार वगैरह सबको, सबका सिस्टम बनाया हुआ है। सरपंच का भी उसी के पीछे सिस्टम है, तो हम लोग एक लाइन से ही चलने वाले हैं, तो वो हम लोगों को गाइडलाइन करेंगे, तो हम लोग वैसे हम लोग प्रेरित भी करते हैं कि इधर पेंट वगैरह कुछ भी होते हैं तो हम लोग लिखवाते भी हैं, धूम्रपान करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा, पंचायती राज में जैसे सरकार ने बनी, पंचायती राज में जो शिक्षा निर्धारित थी उसको हटाने का प्रयास कर रही है, आपकी नज़र में शिक्षा सरपंच की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरी नज़र में शिक्षा होनी चाहिए। अभी पूरा सिस्टम गवर्नमेंट इंडिया के लेवल की अपन लोग बात करें तो इंडिया छोटा सा देश नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है। इंडिया लेवल पे अपन लोग काम कर रहे हैं तो इंडिया को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो सरपंच की होती है। सबसे छोटी इकाई यहाँ से शुरुआत है, सरपंच की इकाई है, तो सरपंच की इकाई के हिसाब से मैं मानूँ तो सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। दस्यु भी कम है, 10 की अपन लोग करते हैं तो 10 भी कम है, लेकिन 10 तो होनी जरूरी है। अभी गवर्नमेंट पिछली बार 8 क्लास कर रखी थी, अभी बिल्कुल भी हटा दी तो सरपंच का पावर क्या है? सरपंच को क्या मालूम अपने लोग को किस पे साइन कर रहे हैं? अनपढ़ साइन आएगा तो सरपंच होएगा तो वो क्या करेगा?
तो विकास नहीं हुआ। विकास तो उसी का होगा जो ऑनलाइन सिस्टम पूरा जानता है, ऑनलाइन के हिसाब से चल सकता है। अभी पूरी इंडिया को बोलते हैं डिजिटल बनाएंगे, तो जब गद्दी पे ही जब अनपढ़ आदमी बैठ जाएंगे तो वो डिजिटल कैसे बनेगा आप बताओ? वो किसी के खास होने से काम चलेगा? मेरे आइडिया से यही है कि सरपंच कम से कम 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। सरपंच साहब, अभी भी आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? हमारी पंचायत के अंदर मूलभूत आवश्यकता एक पानी की थी, वो हम लोगों ने मिटा दी। अभी आपनी योजना का पानी है, जैसे नहर वाला योजना का पानी आ रहा है इंदिरा गांधी का। अभी हमारे गांव के अंदर 20-25 पॉइंट लगाए हुए हैं, पॉइंट से काम नहीं चलता है। सरकार ने उसमें फेरबदल करनी चाहिए। घर घर में पानी दे दो, पानी के साथ में मीटर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। मीटर मिलेगा 20-50 रुपया घर में लगता है, कोई बात वाली बात नहीं। 50 रुपया लग के घर में मीठा पानी तो मिलेगा। अभी आदमी लोगों के 20 घरों में तो पानी आ रहा है, 10 घरों में नहीं आ रहा है। हमारे आप देख रहे हो मेरे घर के सामने मैंने लगवाया सबसे पहले, गांव में आदमी लोग मना कर दिया, बोलते हम लोग तो ये योजना नहीं लगाएंगे, क्यों पब्लिक को मालूम नहीं था। मैंने बोला भाई आप ये करो मेरे घर के आगे लगाओ। अभी मेरे घर के आगे ये योजना का 2 साल से लगा हुआ है, लेकिन 2 साल में मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे पानी आ रहा है। पानी आना चाहिए। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता भी जानना चाहेगी आप कौन सा चुनाव लड़ोगे, क्योंकि आगे पंचायत राज के चुनाव आने वाले। देखो चुनाव तो वास्तविक में देखे तो सरपंच का ही होता है, लेकिन नाम सरपंच का होता है। सरपंच के आधार पे अपन लोग सरपंच लोग चलते हैं, तो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर बनाया हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से लड़े तो सरपंच से सबसे स्टार्ट है। लेकिन गवर्नमेंट टाइम पे बजट देना, सरपंच की भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, जिम्मेदारियों के हिसाब से सरपंच काम करवाता है। सरपंच काम करवा दिया, अभी तो ई टेंडरिंग कर दिया, ठेकेदार जाने ठेकेदार का काम जाने। लेकिन पहले ई टेंडरिंग नहीं था, हम लोग काम करते थे, तो काम का बजट टाइम टू टाइम नहीं आता है, तो सरपंच को अपनी जेब से देना पड़ता है, चाहे 2 रुपया सैकड़े का किसी से उठा के दो, ये सिस्टम है। तो सरपंच के मुकाबले में अगर सरपंच ये आदमी रहे तो ठीक है, आगे तो हर आदमी की इच्छा होती है, कोई क्या करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है। मैं मेरे हिसाब से कहना चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है सरपंच आई की, मैं ये चाहता हूँ गांव की जो सेवा होती है वो निष्पक्ष अपने को सेवा करनी चाहिए, और जो गरीब होते हैं तबके के लोग होते हैं उनको मान सम्मान देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता तो अपन लोग क्या करते हैं, सरपंचाई के अंदर एक तरफा चलते हैं आदमी लोग। मैंने मेरी पंचायत में 4.5 साल अभी तक गुजारे, मैंने किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया। जो गरीब है उनके भी साथ में बैठ के खाना खाता हूँ, अमीर है उनके पास में भी बैठ के खाना खाता हूँ, सबके पास में बैठो, सबको प्यार दो, सबसे बड़ी दौलत यही है। सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत और आने वाले पंचायती राज के चुनाव लड़ने वाले युवाओं को और सरपंच जो चुनाव लड़ेंगे उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यही है कि एक तो सरकार को ये 10वीं क्लास वाला सिस्टम लेना चाहिए, क्यों ये बिल्कुल ही हटा दिया। बोलता है अंगूठा साहब भी सरपंच बन सकता है तो वो क्या करेगा, विकास क्या करवाएगा? अभी अपने भी लेके देखो, पहले का सिस्टम अलग था, आज का सिस्टम अलग है। आज डिजिटल दुनिया बनानी है, इंडिया पूरी डिजिटल है, तो डिजिटल के हिसाब से अपन लोग देखें तो 10वीं क्लास तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्लस दूसरी बात, मेरा पब्लिक से एक ही अनुरोध है कि सरकार ने भी लगा रखा है कि हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, वाहन चालक, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा विचार है। सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट मोटरसाइकिल भी हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चलाओ, किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो उससे वंचित रहेंगे, हिंदुस्तान आगे भी चले जाएगा, यही है मेरा कहना। धन्यवाद सरपंच साहब। उन्होंने आज सरपंच से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर पहने। देखते रहें डीडी समाचार, मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ।